प्रसन्न होने का एक होने की एक वजह यह भी है कि आज तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं राजकोट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तकरीबन 5,860 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज। तो ऐसे में बड़ा दिन है राजकोट के लिए, बड़ा दिन है गुजरात के लिए। प्रधानमंत्री आज राजकोट में इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का भी उद्घाटन करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण है ये अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव, और इस कॉन्क्लेव में भारत में आवास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। आवास जिसको लेकर के प्रधानमंत्री बेहद संजीदा हैं, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ी संख्या में देश भर में लोगों को छत मुहैया कराई गई है। अपने आप में कंप्लीट यूनिट है ये आवास, जिसमें हर घर जल योजना के तहत जल दिया गया है, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिया गया है, हर घर विद्युत योजना के तहत बिजली दी गई है। तो कुल मिलाकर पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक आवास मुहैया कराने का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है और उसको अपने संकल्प से सिद्धि की ओर पहुंचा रहे हैं। और यही वजह है कि जिस भी शहर में प्रधानमंत्री, आप ये अक्सर देखते होंगे कि जहां वो पहुंचते हैं राजकोट की तर्ज पर तमाम बड़े बड़े संख्या में लोग जुड़ जाते हैं अपने प्रिय नेता को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, एक ऐसे नेता को देखने के लिए जिन्होंने उनके जीवन में परिवर्तन लेकर आए हैं, सार्थक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आए हैं। तो इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बड़े बड़े बैनर्स लगा रखे हैं लोगों ने प्रधानमंत्री के स्वागत में, और फूल मालाओं से सजाया हुआ है पूरा जो मार्ग है बीच का, और बड़ी संख्या में जुटे हैं लोग सेल्फी लेते हुए। मोबाइल कैमरों में सेल्फी लेने का क्रेज है, हाथ हिलाते हुए, अभिवादन करते हुए, सेल्फी लेते हुए। एक जो स्टारडम किसी व्यक्ति का होता है वो प्रधानमंत्री का देखा जा सकता है, किसी भी लोकप्रिय से लोकप्रिय व्यक्ति से भी बढ़कर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता दिखाई देती है जब वो आम लोगों के बीच पहुंचते हैं। तो इस इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट में करेंगे, उसमें आवास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें योजना, डिजाइन, नीति, विनिमय, कार्यान्वयन, अधिक स्थिरता और समावेशिता की शुरुआत शामिल है। और सार्वजनिक समारोह के बाद प्रधानमंत्री नवीन निर्माण कार्यप्रणालियों पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे।